हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं, और जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको आइल्स एग्ज़ाम के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि आइल्स एग्ज़ाम आखिर है क्या, और इसके बारे में मैंने आपको एक थोड़ी सी जानकारी दी थी। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पर एक और वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं सेपरेटली आइल्स एग्ज़ाम के मार्किंग सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक वेब पेज ओपन करके रखा हुआ है, जिसमें कि आइल्स के बैंड स्कोर्स और वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और आपका ओवरऑल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ द आइल्स बैंड स्कोर्स आर कैलकुलेटेड, ऑल आइल्स स्कोर्स आर बिटवीन 0 एंड 9। तो 0 से 9 तक बैंड्स होते हैं, और आपको उसमें से आपके लेवल के हिसाब से और आपकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के हिसाब से बैंड दिया जाता है। तो जो आइल्स में आपको होल बैंड या हाफ बैंड में स्कोर मिल सकता है, तो आपका स्कोर हो सकता है कि 6 बैंड्स 6.5, 7 और ऐसे 7.5। तो यहाँ पर आपको डेसिमल्स में नहीं मिल सकते हाफ पॉइंट से पहले, जैसे कि 6.3 या 6.2, 7.8, ऐसे आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू विल गेट अ बैंड स्कोर फॉर ईच स्किल, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड ऑल्सो एन ओवरव्यू बैंड स्कोर। तो जो चार सेक्शन, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि चार सेक्शन होते हैं, और लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो इन चारों सेक्शन में आपको सेपरेटली बैंड मिलते हैं, और फिर उन चारों सेक्शंस का एवरेज निकाला जाता है, और जो एवरेज बनता है वो आपका ओवरऑल स्कोर होता है। तो आपको जब आपको आपका रिजल्ट मिलता है, जो जो आपको मिलेगा TRF, उसमें आपके बैंड्स चारों सेक्शन में सेपरेटली भी मेंशन किए होंगे और आपका ओवरऑल बैंड भी मेंशन किया होगा। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिसनिंग में एक एग्जांपल ली हुई है कि लिसनिंग में 8 बैंड्स, रीडिंग में 7.5, राइटिंग में 7, स्पीकिंग 7.5 और ओवरऑल 7.5। तो ये चारों सेक्शंस को ऐड किया गया है और उसको 4 के साथ डिवाइड किया है, जो कि ओवरऑल बनता है 7.5। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इफ योर ओवरऑल स्कोर इज एन एवरेज ऑफ 6.25, योर स्कोर विल बी इंक्रीज टू 6.5। तो यहाँ पर राउंड ऑफ का सिस्टम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एवरेज बनता है 6.25, तो उसको आपको नियरेस्ट जो हाफ डेसिमल है उसके पास राउंड ऑफ कर दिया जाता है। जैसे कि 6.25 है तो उसको 6.5 बना दिया जाएगा, और 6.3 है, 6.4, तो उसको 6.5 माना जाएगा, और अगर 6.75 है तो उसको, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इफ़ योर ओवरऑल स्कोर इज़ एन एवरेज ऑफ 6.75, योर स्कोर विल बी इंक्रीज टू 7। तो अगर 6.75 है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है 7। इफ़ योर ओवरऑल स्कोर इज 6.1, योर स्कोर विल गो डाउन टू 6। तो अगर 6.1 है तो नियरेस्ट जो होल नंबर है उसके पास राउंड ऑफ कर दिया जाता है, जो कि 6 है। योर स्कोर इज राउंडेड अप और डाउन टू द नियरेस्ट 0.5 और होल स्कोर एज शोन अबव। तो जैसा कि आपने देख लिया कि राउंड ऑफ कर दिया जाता है नियरेस्ट 0.5 और होल स्कोर के पास, जैसा कि मैंने आपको ऊपर के एग्जाम्पल्स में बताया है। और हर बैंड स्कोर क्या डिनोट करता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया गया, जिसमें कि हर बैंड के हिसाब से जो लेवल, इंग्लिश का लेवल है, उसे मेंशन किया गया है। तो इसके पास लिए मेरे पास एक सेपरेट टेबल है, तो चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IELTS 9 बैंड स्केल, अगर आपको बैंड 9 मिला है तो इसका मतलब है कि आपका स्किल लेवल जो है एक्सपर्ट यूज़र है। और डिस्क्रिप्शन अगर आप थोड़ी सी पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, यू हैव अ फुल ऑपरेशनल कमांड ऑफ द लैंग्वेज, योर यूज़ ऑफ इंग्लिश इज़ अप्रोप्रिएट, एक्यूरेट एंड फ्लुएंट, एंड यू शो कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको 9 बैंड, जो कि एटलीस्ट मैंने तो कभी सुना नहीं कि किसी को 9 बैंड्स मिलते हैं, बहुत ही रेयर ही मिलते हैं 9 बैंड्स, तो इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश की बहुत ही अच्छी, आपकी जो नॉलेज है वो एक्सपर्ट लेवल की, और आप बहुत ही फ्लुएंसी से, बिना किसी किसी भी मिस्टेक के आप इंग्लिश बोल सकते हैं, और आपको इंग्लिश समझने में या बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बैंड 8 अगर आप देखेंगे तो स्किल लेवल है वेरी गुड यूज़र। तो ये भी वही लिखा है कि यू हैव अ फुली ऑपरेशनल कमांड ऑफ द लैंग्वेज,
तो अगर मैं आपको इसका थोड़ा समरी बताऊं कि बैंड डेट में भी ये मेंशन किया गया कि आपकी जो थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी है और कभी कभी आप इनअप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, बैंड 7 में जो है स्किल लेवल गुड यूज़र। तो बैंड 7 जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप थोड़ी सी प्रेपरेशन करेंगे अच्छे से और अगर आपका इंग्लिश का लेवल जनरली अच्छा है तो आप थोड़ी सी प्रेपरेशन के साथ आप बैंड 7 ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बैंड 7 लेना। बैंड 6 मतलब कॉम्पिटेंट यूज़र, जनरली यू हैव एन इफेक्टिव कमांड ऑफ द लैंग्वेज डिस्पाइट सम इनएक्यूरेसीज इनअप्रोप्रिएट यूसेज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो 6 बैंड को भी अच्छा कॉम्पिटेंट यूज़र मतलब कि अच्छा यूज़र माना जाता है, और बैंड 5 मीन्स मॉडेस्ट यूज़र। मॉडेस्ट यूज़र मतलब कि आपकी इंग्लिश अभी थोड़ी सी वीक बोली जाएगी, यू हैव अ पार्शियल कमांड ऑफ द लैंग्वेज, जो आपकी इंग्लिश पर पकड़ है वो थोड़ी पार्शियल है और आपको जो मोस्ट सिचुएशन में ओवरऑल मीनिंग समझ आ जाता है, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप मिस्टेक्स करेंगे इंग्लिश में। तो यू शुड बी एबल टू हैंडल बेसिक कम्युनिकेशन इन योर ओन फील्ड। तो आप जिस फील्ड में आप काम करते हैं उसमें आप बेसिक कम्युनिकेशन हैंडल कर सकते हैं, बैंड 5 ये डिनोट करता है। बैंड 4 लिमिटेड यूज़र, योर बेसिक कॉम्पिटेंस इज लिमिटेड टू फेमिलियर सिचुएशन, मतलब कि आपकी जो इंग्लिश की नॉलेज है वो सिर्फ फेमिलियर सिचुएशंस जितनी ही है, और जब आपको किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में या कॉम्प्लेक्स जो टर्म्स होती हैं उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है समझने में। बैंड 3 एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़र, यू कन्वे एंड अंडरस्टैंड ओनली जनरल मीनिंग इन वेरी फेमिलियर सिचुएशंस, देर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीमली जो आपकी इंग्लिश की नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, और जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से इंग्लिश में तो वहाँ पर बहुत ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बैंड 2 इंटरमिटेंट यूज़र, यू हैव ग्रेट डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। तो आपको बहुत मुश्किल आती है स्पोकन और रिटन इंग्लिश को समझने में, बैंड 2 का मतलब ये है। बैंड 1 नॉन यूज़र, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप आइल्स एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, आप सेंटर में जाते हैं और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आपका चाहे बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है, आपने कुछ भी नहीं लिखा तो भी आपको एक बैंड मिलेगा। इसका मतलब है नॉन यूज़र के आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यू हैव नो एबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज एक्सेप्ट अ फ्यू आइसोलेटेड वर्ड्स। तो आपके जो इंग्लिश है वो बहुत ही यहाँ पे लोएस्ट लेवल की बोली जाएगी, और सिर्फ कुछ एक फ्यू जो अलग अलग वर्ड्स को छोड़कर आपकी इंग्लिश एक सेंटेंस बनाना आपके लिए मुश्किल है। बैंड 0 डिड नॉट अटेम्प्ट द टेस्ट। तो ये जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप टेस्ट देने जाते ही नहीं हैं तो आपको 0 मिलेगा। और ये देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आयल्स स्कोर्स आर ट्रस्टेड अराउंड द वर्ल्ड। तो जो आयल्स का स्कोर है वो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बहुत ही एक पॉपुलर टेस्ट है, और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस और जो कंपनीज हैं वो इसे एक्सेप्ट करती हैं। आयल्स प्रोवाइड्स रिजल्ट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ इंग्लिश, देर इज नो सच थिंग एज अ पास और फेल। तो जैसा कि आपने देख लिया कि आयल्स में बैंड मिलते हैं आपको और कोई ऐसा पास या फेल का सिस्टम नहीं होता। योर स्कोर्स विल बी गिवन टू यू ऑन अ टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म। तो जो आयल्स का जो आपको रिजल्ट मिलता है उसे उस शीट को बोला जाता है टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, और वो आपके पास कुछ दिनों के बाद आपको मेल कर दी जाती है। तो जिस दिन आपका टेस्ट होता है उस दिन आपको रिजल्ट नहीं पता चलता, आपको कुछ दिनों बाद एक TRF जिसे कि टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म बोला जाता है वो आपको मिलता है, और उसमें आप अपना